हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। ये पिछली वीडियो का ही नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को नापते कैसे हैं, तो इसके कई सारी विधियाँ होती हैं, जैसे कि उत्पादन विधि हो गई, जिसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। इसके अलावा आय विधि, व्यय विधि होता है, ठीक है। ऐसे कई सारी विधि होती हैं, हम पांच विधियां इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उत्पादन विधि क्या होती है। इस विधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को लेते हैं, ठीक है। जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती है ना, उसकी वैल्यू मूल्य को लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा एग्जाम में, कि गणना बाजार मूल्य पर किया जाता है ना, मार्केट में कितने रुपए का मिल रहा है उस पर किया जाता है। इसके भी पहले क्या किया जाता है, उत्पादन को मापने के लिए अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट दिया जाता है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था में तीन स्तर होते हैं मुख्यतः, लेकिन अब तो पांच सेक्टर बना दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः तीन ही सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, द्वितीयक सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है, और तृतीयक क्षेत्र, जिसको टर्शरी सेक्टर बोला जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि आता है, पशुधन आता है, विकास, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनिज उद्योग, वन संपदा आदि आते हैं, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में इस्पात आता है, धातु उद्योग, मशीनरी, भवन निर्माण इत्यादि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में व्यापारिक, बैंकिंग, बीमा, मतलब तृतीयक जो ट्रेजरी सेक्टर होता है ना, इसमें सेवाएं शामिल की जाती हैं, परामर्श सेवाएं होती हैं, होटल मनोरंजन क्रियाएं हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सरकारी सेवाएं हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो सेवाएं होती हैं वो टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में रखी जाती हैं। अब देखिए इसको निकाला कैसे जाता है, पूरा का पूरा आपको शीट के माध्यम से समझाएंगे, बहुत इजी होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इन सबके योग के बाद NY, यहां पर NY का मतलब नेशनल इनकम, N फॉर, यहां पर N से नेशनल, Y से यील्ड है, यील्ड को इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, इनकम होता है। अब विकसित देश में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जरूर लिखिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा जब लिखिएगा, अविकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र का अनुपात अधिक होता है। जो देश अविकसित होते हैं उस देश में प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, उसका अधिक क्या होता है, योगदान होता है। जैसे कि वहाँ कृषि होती है, कृषि से रिलेटेड जो मछली पालन होता है, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। जो विकासशील देश होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, ठीक है। जैसे इस्पात हो गया, निर्माण हो गया, मशीनरी हो गया, भवन निर्माण हो गया, ये सब बहुत योगदान होता है। विकसित देश में तृतीयक क्षेत्र को अनुपात सबसे अधिक होता है, यानी कि वहाँ पर टर्शियरी जो सेक्टर होता है इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर बहुत अच्छा होता है, बीमा अच्छा होता है, कंसल्टेंट जो सेवाएँ होती हैं वो भी होती हैं, शिक्षा, सरकारी सेवाएँ, स्वास्थ्य, ये सब बहुत ही अच्छी होती हैं, तो वहाँ पर तृतीयक क्षेत्र होता है। और ऐसा जिस देश में होता है वो विकसित देश होता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी चीज़ें। इनको निकालने की विधि देखिए कैसे, एकदम एग्जाम्पल भी बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाएं होगी, जैसे गेहूं का विक्रय किया मैंने, तो गेहूं का विक्रय कितने का किया, 100 रुपये का, तो देखिए मूल्य वर्धन कितना हुआ, तो 100 ही रुपया हुआ। आगे देखिए, अब गेहूं को आगे आटा या मैदा बनाया गया, मैदा का विक्रय जब किया गया तो जो 100 रुपये था उसको जोड़ लिया गया है और 50 रुपये फायदे के साथ इसको बेचा गया। तो आप मुझे बताइए क्या पूरे 150 रुपये ले लेंगे? नहीं, 150 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोहरा हो जाएगा लेखा ना, 100 रुपये हम नहीं लेंगे, इस 150 में से 100 रुपये घटा देंगे, क्योंकि ये 100 रुपये भी ऐड है ना, तो यहाँ पर 50 आएगा। इसी तरह डबल रोटी का जब विक्रय किया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, तो क्या हम पूरे 300 ले लेंगे? नहीं, इस 150 को इस 300 से माइनस कर देंगे, जितना आएगा यहाँ पर 150 रुपये जैसे आया, तो इसको ऐड कर लेंगे, जितना भी मूल्य संवर्धन होगा ना, या फिर मूल्य वर्धन होगा उसी को ऐड करेंगे। इसी तरह थोक विक्रेता का विक्रय जो होगा वो 350 हो गया, तो इस 350 में से 300 को माइनस कर देंगे तो 50 आया, तो 50 को ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे पूरा का पूरा जब फुटकर विक्रेता का विक्रय होगा तो यहाँ पर 50 रुपये ऐड कर लेंगे और पूरा 400 आ जाएगा, यही मूल्य संवर्धन है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, आगे देखते हैं। उसके बाद आती है आय विधि, इसको इनकम मेथड बोला जाता है। किसी देश में सभी उत्पादन साधनों के द्वारा प्राप्त आय, उत्पादन साधन कौन से होते हैं, जैसे कि भूमि होता है, कैपिटल होता है, ये सब होते हैं ना, तो ये उत्पादन के साधन होते हैं, इनसे जो आय होती है, इनकी जो आय होती है, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, इसे आय विधि कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय क्या हुआ, मजदूरी हुआ, वेतन हुआ, इसको ऐड करेंगे, किराया मिलता है ना, रेंट मिलता है, इसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट मिलता है, इसको ऐड करेंगे, लगान मिलता है ना भूमि को,
वो ऐड करेंगे, लाभांश जो डिविडेंड होता है उसको ऐड करेंगे, लाभ को ऐड करेंगे, अप्रत्यक्ष कर भी ऐड करेंगे, लेकिन इनमें से अनुदान जो सब्सिडीज होगी उसको माइनस कर देंगे। जब सब्सिडी तो माइनस करेंगे तभी तो आप आएगा। अब ह्रास भी इसको ऐड कर देते हैं तो ये इनकम विधि होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे लिख देना पूरा नंबर मिलेंगे आपको। व्यय विधि देते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक्सपेंड करते हैं मतलब पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। उस माध्यम से भी नेशनल इनकम हम निकाल सकते हैं। व्यय विधि में व्यय को निम्न तीन भागों में बांटा जाता है, तो एक उपभोग व्यय होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा विनियोग व्यय होता है इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है सरकारी व्यय यानी कि आयात में से निर्यात माइनस कर देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इनको पुनः उपभोग उपभागों में बांट सकते हैं, ठीक है, इनको भी कई सारे भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए कैसे यहां पर किया गया है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए यहां पर उपभोग व्यय सॉरी यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं। तो देखिए उपभोग व्यय ऊपर था, फिर विनियोग व्यय था और सरकारी व्यय, ऐसे लिख दिया और बीच में तीन जगह खाली कर दिया, यहां पर दो और यहां पर तीन। यहां पर टिकाऊ वस्तुएं हो गई क्योंकि उपभोग वस्तुएं कई सारी टिकाऊ होती हैं, जैसे सब्जी लाते हैं तो टिकाऊ थोड़ी ना तुरंत सड़ जाती है, लेकिन कोई और चीज लाते हैं, ठीक है, तो वो कई दिनों तक चलती हैं, तो टिकाऊ में हो गई वस्तुएं और अटिकाऊ हो गई और सेवाएं, ये तीनों चीजें इसमें ले लिया। विनियोग व्यय में स्थायी विनिवेश होता है, अनिविनिवेश भी होता है, ठीक है। सरकारी व्यय में क्या आता है, केंद्रीय सरकार आता है और राज्य सरकार स्थानीय सरकार के व्यय आते हैं, ठीक है। इन सबको जब ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा पूरा का पूरा निकल के आ जाता है ये नेशनल इनकम या नेशनल यील्ड। वी के आर वी राव एक अर्थशास्त्री थे, ने उत्पादन विधि तथा आय विधि मिलाकर, इन्होंने क्या किया, उत्पादन विधि जो अभी हमने देखा था और आय विधि, इन दोनों को मिलाकर के एक विधि बना दी जिसका नाम क्या दे दिया, उत्पादन आय गणना विधि। बस कितना सिंपल सा है, इनका नाम अगर कोट कर देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इस विधि में जहां उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते वहां आय विधि अपना जाती है, यहां पर अपनाई लिखा हो जाएगा, अपनाई जाती है, तथा जहां उपलब्ध होते हैं वहां उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बस ये सिंपल सा है। उसके बाद लास्ट हमारी जो विधि है वो कौन सी है, वह सामाजिक लेखा विधि, ठीक है। तो सामाजिक लेखा मतलब सोशल अकाउंटिंग मेथड, रिचर्ड स्टोन इनका नाम कोट कर देना आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ने इस विधि का विकास किया, ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस मेथड को मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन एक मेरे करीब 10-15 दिन पहले मैंने एक मेथड सोचा था कि यार ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि मेथड ऐसी अपनानी चाहिए कि सेगमेंट वाइज हो, मतलब सीधे ऐसे नहीं कि पूरा किसी का 1000 आय है और किसी का 1,00,000 है और उन सबको ऐड करके एवरेज निकाल देंगे, तो वो क्या भ्रामक जानकारी हो गई ना। तो जैसे एक व्यक्ति है ए, वो गरीब है, उसकी आय 1 साल की 1000 है, और दूसरा है उसकी आय जो है वो 2000 है, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 1500 आता है, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा है उसकी 1,00,000 है, अगर तब एवरेज निकालेंगे ना तो बहुत भ्रामक जानकारी हो जाएगी, ठीक। तो उसी के स्थान पर रिचर्ड स्टोन ने लाया, इसमें क्या किया जाता है, जनसंख्या को आय के आधार पर विभिन्न भागों में पहले बांट लिया जाता है, मतलब जैसे जिनकी आय 50,000 से 1,00,000 के बीच में है उनको एक जगह हम आय विधि कर लेंगे, दूसरा उसके बाद जिनकी आय 1,00,000 से ऊपर और 5,00,000 तक है उनको हम एक जगह उनकी आय निकाल लेंगे, इसी तरह 5,00,000 के ऊपर और 10,00,000 के बीच में जिनकी आय है, ठीक है, उनकी हम एक जगह आय निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ये विधि जो है रिचर्ड स्टोन ने जारी किया था, उन्होंने बताया था, इसी को सामाजिक लेखा विधि कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रत्येक वर्ग के कुछ लोगों की आय ज्ञात कर एक औसत निकाल लिया जाता है, उस वर्ग की कुल जनसंख्या को इस आनुपातिक औसत आय से गुणा कर दिया जाता है, उस वर्ग की संपूर्ण आय ज्ञात हो जाती है। जब सभी वर्गों के अनुमानित आय को जोड़ दिया जाता है तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा आप समझ जाएंगे। यह विधि तभी संभव है जब लोग तथा संस्थाएं अपने आय का सही हिसाब किताब रखें। अल्प विकसित देशों में इसका प्रयोग सीमित होता है, क्योंकि देखो जहाँ पर कैश का प्रचलन है वहाँ पर लोग चोरी चकारी भी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आसानी से हमको डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये विकसित देशों में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है और यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज हमने देखा कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है।